साथियों, हम सब लोगों ने ये दोहा तो सुना है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बिल्कुल सही बात, ये तो प्रेम की बात है, है ना। यदि ये संबंध पति पत्नी का हो, और हमारे शास्त्रों में तो बोला गया है कि पति पत्नी का संबंध तो 7 जन्मों का होता है। साथियों, यदि एक जन्म में भी ना, यानी इस जन्म में रहना भी दूभर हो रहा हो, यानी कि वो पति पत्नी जो तलाक लेने के लिए आतुर हो, आपस में रहना बर्दाश्त ना हो पा रहा हो एक दूसरे के साथ में, तो क्या कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हेल्प कर सकते हैं? तो मैं कहूंगी बिल्कुल कर सकते हैं। प्रस्तुत वीडियो में चर्चा होगी इन्हीं सब बातों की कि वो कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, जब हम स्टिमुलेट करेंगे उन पॉइंट्स को तो दिमाग में जरूर क्या असर ऐसा होगा, उन यही तो मैजिक है एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स का। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं और क्या करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर के हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, ये तो दिल की बातें हैं, और उस दिल में ही कुछ गड़बड़ी आ जाए ना, फिजिकली और मेटाफिजिकली, तो बहुत सारी चीजें में परेशानी में डाल सकती है रोगी को, क्योंकि मैं तो पेशेंट ही बोलूंगी, क्योंकि ये सारा का सारा खेल हार्ट का है। और हार्ट में कब ये चीजें होंगी, जब हार्ट की फायर बढ़ जाएगी, और फायर ही नहीं साथ ही साथ फ्लेम भी हो जाएगा, यानी जब हृदय में अग्नि और कफ की अधिकता हो जाएगी तो बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को आ जाएंगे। मैं फिर बार बार कहती हूँ कि व्यक्ति नहीं, मैं उनको पेशेंट ही बोलती हूँ, क्योंकि जो काम करवा रहे हैं ना, वो ये दोनों चीजें अग्नि और कफ ये करा रहे हैं हृदय में। तो सिम्टम्स में आएगा कि मानसिक भ्रांति, क्योंकि व्यक्ति सोच परिवर्तित हो जाएगी, जहां वो व्यक्ति शांत शांत रहता था, लेकिन अब मानसिक बेचैनी की वजह से वो निर्णय ठीक से नहीं ले पाएगा, उत्तेजित सा रहेगा हर समय में, क्योंकि खून खोल रहा है ना, किसी का हार्ट बड़ा है, हार्ट में अग्नि बड़ी है, तो खून खोलता रहेगा। तो जब खून खोलता है तो विवेक खत्म हो जाएगा, तो व्यक्ति शक करने लगता है, हैलुसिनेशंस में आ जाता है, उसको लगता है देखो पता नहीं पत्नी हो या पति, दोनों में से सबकी बात हो रही है, तो एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है, है ना। बात बात पे जहां ये लोग इतने प्यार से रहते थे, लेकिन अब लगता है कि अब जीना दूभर हो रहा है, बात ही समझ में नहीं आती एक दूसरे की। तो साथियों, एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इन्हीं के ही, हार्ट फायर ब्लेजिंग के पॉइंट्स की, जो फ्लेम है उसको निकाल दें, जो हार्ट में से फायर है उसको निकाल दें, तो व्यक्ति जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है, यदि पानी को खौला देंगे, गर्म कर देंगे, वो तो सबको जलाएगा ही जलाएगा ना, जब पानी को ठंडा कर देंगे तो वो शीतल हो जाएगा, ठंडक प्रदान करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इन एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को यूज करेंगे, तो जो दिमाग में गर्माहट थी वो निकल जाएगी, है ना, और कूल एंड काम माइंड हो जाएगा, ब्रेन को शांति मिलेगी, हार्ट को शांति मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मेरे गुरु थे, जब उनके पास ऐसे रोगी आते थे, जब वो एक ये पॉइंट्स लगाते थे, तो एक हफ्ते के भीतर वो पति पत्नी हाथ में हाथ डाले हुए आते थे और कहते थे कि आपने तो हमारा जीवन बचा दिया। तो साथियों, ये पॉइंट्स इतने कारगर हैं, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने जीवन में यदि किसी को भी आप लगा देंगे ना इन पॉइंट्स को, उनकी जिंदगी बच जाएगी, तो अपना जीवन मैं सफल मानूंगी। तो साथियों, आइए देखते हैं वो पॉइंट्स कौन से हैं और कैसे काम करेंगे। साथियों, एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, फ्लेम फायर हरेसिंग द हार्ट के, यानी जब कभी भी हार्ट में अग्नि और कफ की अधिकता हो जाती है तो किस प्रकार से हम दूर करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए पहले जानते हैं हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। हमें जरूरत होगी टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की, चक्रा मैग्नेट की, ये देखिए एक तरफ से ऐसे, दूसरी तरफ से ये ऐसे होते हैं, और जो टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट है वो भी साथियों एक तरफ से व्हाइट कलर के और दूसरी तरफ से ये येलो कलर के होते हैं। हमें लेना होगा पेपर टेप,
आइए अब निगाह डालते हैं प्रेशर पॉइंट्स पर, आएंगे हाथों में। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फिंगर की। इंडेक्स फिंगर में अपर जॉइंट, जॉइंट पर दो पॉइंट्स हैं, एक तो बिल्कुल मिड लाइन पर, इस पॉइंट का नाम है P7, पेरिकार्डियम 7, और एक अपर जॉइंट और मिडिल जॉइंट के यदि हम मिड लाइन खींचते हैं बीच में, मिड लाइन से स्लाइटली ऊपर की तरफ, इस पॉइंट का नाम है P5, पेरिकार्डियम 5। तीन पॉइंट्स इंडेक्स फिंगर में ही बिल्कुल किनारे हैं टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, एक तो जॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम है H7, हार्ट 7, और एक बिल्कुल टॉप पर है किनारे, इस पॉइंट का नाम है H9। H9 और H7 के बीच में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है H8। तीनों ये हार्ट के पॉइंट, H7, H8, H9, और ये दोनों ब्रेन के पॉइंट, P7 और P5। अब आते हैं मिडल फिंगर में। मिडल फिंगर अपर जॉइंट, एक जॉइंट से स्लाइटली नीचे की तरफ मिड लाइन में, इस पॉइंट का नाम है SP6, स्प्लीन 6। एक है साथियों अपर फैलेंक्स में टुवर्ड्स थंब, दो पॉइंट्स, जो ऊपर वाला पॉइंट है इसका नाम है लीवर 2, और लीवर 2 से स्लाइटली नीचे है लीवर 3। अब आते हैं थंब में। थंब में देखिए टॉप पर आपको तीन पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जो बिल्कुल टॉप ऑफ द थंब है, इस पॉइंट का नाम है GV20, गवर्निंग वेसल 20। इससे स्लाइटली नीचे की तरफ आएंगे, इस पॉइंट का नाम है गवर्निंग वेसल 24। और साथियों एक साइड में पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है गॉल ब्लेडर 13। एक्चुअली गॉल ब्लेडर 13 और गॉल ब्लेडर 15 हमें लेना है, लेकिन चूंकि पास पास में है पॉइंट्स, तो हमारा काम चल जाएगा एक ही पॉइंट से। इस तरीके से ट्रायंगल हमारे हो गए टॉप ऑफ द थंब में। और एक पॉइंट साथियों हमारा इस जगह पे आ रहा है पामर साइट पे, इस पॉइंट का नाम है कंसेप्शन वेसल 15, CV15। दो पॉइंट्स यांग साइड में है यानी पीछे की तरफ, आएंगे मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट और अपर जॉइंट, मिड लाइन यदि खींचते हैं तो मिड लाइन पे नहीं है, मिड लाइन से स्लाइटली थंब की तरफ ये पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच, इस पॉइंट का नाम है स्टमक 40। एक और पॉइंट साथियों, यदि हम थंब और जो रिस्ट जॉइंट है इनके बीच में हम करें, तो मिड लाइन खींचते हैं, मिड लाइन पे तो नहीं, मिड लाइन से स्लाइटली फिंगर्स की तरफ है ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है UB15, यूरिनरी ब्लेडर 15। अब देखते हैं इन पॉइंट्स का करना क्या है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ब्रेन को कूल एंड काम करेंगे, कुछ जो हार्ट में हीट बढ़ी हुई है उसको निकाल बाहर करेंगे, और कुछ शरीर की हीट को निकालते हैं। तो इस प्रकार से क्योंकि हमें ब्रेन की हीट को निकालना है, कफ को निकालना है, कुछ पॉइंट्स कफ को निकालने का काम करते हैं, जो फ्लेम हो गया है ना, फ्लेम का काम क्या है, चिपचिपाहट, चिपका हुआ है व्यक्ति, बार बार वही विचार, वैसी चीजें आ रही है दिमाग में, है ना, और फायर जब बढ़ गया तो क्रोध आ रहा है ना, विवेक खो गया व्यक्ति का, अजीब सा अशांत मन, बेचैनी बेचैनी सी ना, उत्तेजित है व्यक्ति, अग्रेसिव हो रहा है व्यक्ति, सोच ही नहीं पा रहा है हर समय, क्योंकि शक का मतलब होता है कि कफ, कफ की वजह से शक आता है कि बार बार वही विचार वही चिंता, जरूर ऐसा हो रहा होगा, और क्योंकि कफ है ब्रेन में, हीट है ब्रेन में, तो विजन क्लियर नहीं है कोई भी चीज का, है ना। तो हम जब इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे, आइए देखें करना क्या है। हम इस तरीके से पेपर टेप में जो टोनिफिकेशन सॉल्यूशन मैग्नेट को इस तरीके से लगाएंगे कि जो इसका व्हाइट कलर है ये स्किन को टच करे, और लगने के बाद बाहर से येलो कलर दिखाई दे। तो इतने सारे जो पॉइंट्स फिंगर्स में आ रहे थे, आप एक एक करके टोनिफिकेशन सॉल्यूशन मैग्नेट को लगा सकते हैं। इस तरीके से हर पॉइंट पे आप एक एक टोनिफिकेशन सॉल्यूशन मैग्नेट्स को लगा दीजिए। अब जो ये पॉइंट है यहाँ पर बिग एरिया है, हमें पावरफुल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो चक्रम मैग्नेट साथियों इस तरीके से लगाना है कि जो स्किन को टच करेगा वो ये दिखेगा, और लगने के बाद बाहर से हमें इस तरीके का दिखेगा। तो जो ये दो पॉइंट्स थे CV15 और UB15, इन पर हम इस तरीके से एक एक चक्रा मैग्नेट को लगा देंगे सडेशन का। ये चक्रा मैग्नेट सडेशन, बाकी टोनिफिकेशन सडेशन मैग्नेट से सडेशन, ये आप 10 घंटा 12 घंटा
12 आवर्स, 14 आवर्स, 18 आवर्स तक लगा सकते हैं, डेली लगाना है, कुछ दिनों तक लगाना होगा, फिर आप खुद ही देखिएगा कि खुद ही आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे। जो आपको बहुत गुस्सा गुस्सा सा आता था लोगों को, है ना, बेचैनी थी, अजीब सा अग्रेसिवनेस था, धीरे धीरे जहां ब्रेन को शांति मिलेगी, हार्ट की हीट कम होगी, कफ कम होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका असर फिजिकली और मेटाफिजिकली हमारे बिहेवियर पे जरूर आएगा। तो इन उपायों को जरूर करिए, डेली करने हैं। जब आप 18 घंटे बाद में पेपर टेप में से मैग्नेट्स को निकाल लीजिएगा, सारे मैग्नेट्स आपस में जुड़कर एक दूसरे को चार्ज कर देते हैं, कुछ घंटे आप रख दीजिएगा सारे मैग्नेट्स को जोड़कर या आपस में जुड़कर फिर से चार्ज कर देते हैं और तैयार हैं नेक्स्ट डे आपके ट्रीटमेंट के लिए। मैग्नेट्स कभी भी खराब नहीं होते हैं, हर दिन आपको केवल पेपर टेप को ही चेंज करना है। तो साथियों, मैं उम्मीद करूंगी कि जरूर कोई भी आपके पास ऐसा केस आए तो जरूर इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करिएगा, जरूर आपको रिजल्ट्स मिलेगा। साथियों, यदि आपका भी मन है चिकित्सा पद्धति को सीखने का कि कैसे आप रूट लेवल पर जाकर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्या बताया ना कि जड़ कहाँ और फ्रूट कहाँ, तो हमें फ्रूट से ही आइडिया लगाना है जो लक्षण सिम्टम्स आएंगे, लेकिन हमें उपचार करना है जड़ तक। जब जड़ पर हम उपचार करेंगे तो रोग के तो कई रूप हो सकते हैं ना, आप निश्चित आप उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे जब आप रूट पर प्रहार करेंगे किसी भी चीज की। तो रूट कॉज को जानने के लिए आप निगाह डालिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिजाइन ही किए हुए हैं कि हम घर बैठे आपको सारी चीजें सिखा सकें। यदि आप बिल्कुल शुरुआत ही कर रहे हैं एक्यूप्रेशर में, तो शुरुआत के जो दो कोर्सेज हैं वो आपके लिए हैं, डिप्लोमा इन एक्यूप्रेशर थेरेपी, डिप्लोमा इन सुजोग थेरेपी। यदि आप पहले से ही बहुत सारी चीजें जानते हैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली हमारा मास्टर लेवल का कोर्स कर सकते हैं। कोर्स में एनरोल होने का तरीका बहुत ही इजी है, आप नीचे देखिए एक वेबसाइट के लिंक आपको नजर आ रही होगी। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिंक दिखेगी, आप डायरेक्टली जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो आप एनरोल हो सकते हैं। साथियों, यदि आपको आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की तो ये भी आपको इसी वेबसाइट के लिंक पर अवेलेबल हो जाएंगे। साथियों, यदि आप भी ग्रसित हैं किसी परेशानी से और हमसे उपचार चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और यदि कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आप चाहते हैं, कुछ आपको ऐसा कुछ कंसल्टेशन हमसे चाहिए, तो भी आप वेबसाइट पे जाके बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।